हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैकिंग कोड्स। तो यार आज रिकर्सन देखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम लेते हैं, पिछले में पावर कराई थी, इसमें फैक्टोरियल देखते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें 8 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल के तुम्हें क्या पता होना चाहिए, पहले 7 फैक्टोरियल पता होना चाहिए। अगर 7 फैक्टोरियल में तुमने 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा निकल जाएगा 7। के लिए तुम्हें फाइनली ब्रेक डाउन करनी है ना प्रॉब्लम, तो 7 के लिए 7 × 6 फैक्टोरियल पता होना चाहिए। एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली ब्रेक डाउन करते करते तुम पहुंच जाओगे कि तुम्हें निकालना फाइनली पड़ेगा 1 फैक्टोरियल कितना होता है या 0 फैक्टोरियल कितना होता है, जो कि 1 होता है, ठीक है। फाइनली तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचेगी। अब यार मैंने 3 स्टेप बताए थे, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप हम सोचते हैं कि हमारा बेस केस क्या है, यानी जहाँ पे हमारा ये टर्मिनेट होना चाहिए। तो बेस केस होगा हमारा कि जब हमारी कंडीशन होगी कि जो हमने वैल्यू एंटर कराई है, यानी उसे एक्स नाम दे देते हैं वेरिएबल में, जब उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो ये 1 रिटर्न कर दे, ठीक है। यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्मॉल कैलकुलेशन, जो तुम्हें परफॉर्म करनी होगी एक छोटे पार्ट के लिए, बाकी सब रिकर्शन अपने आप हैंडल कर लेगा। तो तुम्हें किस पार्ट के लिए परफॉर्म करनी है, तुम्हें करना है कि 8 फैक्टोरियल क्या हो। तो अब यार स्मॉल कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है। स्मॉल कैलकुलेशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 8 वाले पे परफॉर्म करना है। ऐसे मान के चलो कि 7 फैक्टोरियल तो तुम्हारा रिकर्सन ला के दे देगा, 7 फैक्टोरियल उसने ला के दे दिया। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 8 फैक्टोरियल के तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 8 × ये होगी हमारी स्मॉल कैलकुलेशन कि भाई 8 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा ये हमें नहीं सोचना है, ये रिकर्सन अपने आप काम करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा हमारा रिकर्सिव कॉल। थर्ड स्टेप रिकर्सिव कॉल, इसमें बस हमें रिकर्शन कॉल कर देना है। किस पे करेंगे, एक छोटे पे, जैसे 8 था, 8 7 चाहिए था 8 के लिए, 7 फैक्टोरियल के लिए हमें 6 चाहिए था, तो एक छोटे पे कॉल हो रहा है, यानी x-1, इस पे हमें रिकर्शन कॉल करना है, ठीक है। तो यार इसका वो लिख के देख लेते हैं अब जल्दी से, कोड कोड क्या होगा। फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम मैं फैक्ट दे दूंगा, ठीक है। फैक्ट या फैक्टोरियल जो मर्जी आए दे दो, लेकिन ठीक है चलो फैक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप इंट, इंट फैक्ट, इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पास होगा कि जो हमने नंबर दिया हुआ है, नंबर हमारा है एक्स, तो इंट एक्स, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हमारा बेस केस, बेस केस में क्या था, कंडीशन, तो इफ एक्स इज इक्वल इक्वल टू 0 तो रिटर्न क्या करना है हमें, Return 1, ठीक है। फिर एक वेरिएबल मान लेते हैं आंसर, ठीक है। तो इंट आंसर, आंसर में हम स्टोर करा देंगे क्या, हमारी स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन। स्मॉल कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल हमें कहाँ से मिलेगा, 7 फैक्टोरियल मिलेगा हमें रिकर्सिव कॉल से। तो यहाँ पे हम अपना रिकर्सिव कॉल चला देंगे दोबारा से, कितने पे चलाना है, एक छोटे पे, तो x-1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर में हमने कर दिया कि भाई x मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ x-1। अब ये यहाँ पे क्या ला के देगा, मैंने कहा था कि इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया करो, जो ये है इसकी जगह तुम ये मान के चल लो कि ये x-1 का फैक्टोरियल तुम्हें ला के रिटर्न कर देगा,
ठीक है, इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनली हमें हमें रिटर्न कराना पड़ेगा एक आंसर, तो रिटर्न हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा हमारा आंसर। आंसर में हमने वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, आंसर हमने रिटर्न कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, फाइनली अपना ये रिकर्सिव कोड हो गया। ठीक है, एक बार ड्राई रन करके देखना है, एक और अपने आप ऐसे एग्जांपल लेके, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।